हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए एक नई अमेरिकन सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है फिशफुल ऑफ वेंजेंस। ये मूवी सीक्वल है 2019 में एक वेब सीरीज वू असैसिन का, जिसमें 10 एपिसोड थे और सीजन 1 के बाद नेटफ्लिक्स उस शो को कैंसल कर चुका है। मूवी की बात करें तो कहानी सिंपल सी है कि काय, जो कि एक आखिरी वू असैसिन है, वो अपने दोस्त के साथ टॉमी की बहन जैनी के किलर को ढूंढ रहा है और वो ढूंढते ढूंढते बैंकॉक थाईलैंड पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर विलियम पेन से। उसके बाद काय किस तरह से दुनिया को बचाने के मिशन पर निकल जाता है, साथ साथ उसको टॉमी की सिस्टर जैनी के किलर को भी पकड़ना है। ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इस मूवी में जो एक्शन सीन्स यानी कि जितने भी वो कुंग फू रिलेटेड सीन से वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए। लेकिन इस मूवी में जो सुपर नेचुरल चीज़ें यानी कि जो सुपर पावर, जो मैजिक, जो सोसरी बताना चाहिए था वो उतनी ज़्यादा नहीं बताई। क्यों नहीं बताई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की। उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यार जो ड्रोन शॉट लिए, कई ज़्यादा ड्रोन शॉट्स देखने को मिले इस पर्टिकुलर मूवी में, जिसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। और कई जगहों पे कैमरा भी थोड़ा बहुत शेक हो रहा था, जो कि मुझे अजीब सा लग रहा था। उसके अलावा स्टोरी की बात करो तो उतनी ज्यादा एंगेजिंग, उतनी ज्यादा अपेलिंग नहीं लगती जितनी होना चाहिए था। कैरेक्टर्स की बात करो तो देखो यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स तो है नहीं, लेकिन जितने कैरेक्टर्स उनको अच्छी तरह से लिखा है। लेकिन ये पूरी की पूरी मूवी रिलाय करती अपने एक्शन सीक्वेंस पे। अगर इसके एक्शन सीक्वेंस हटा दें, इसको ये एक्शन सीक्वेंस अच्छे ना लगे, तो मूवी में कुछ भी नहीं है आप लोगों को देखने के लिए। तो ये भी मेरे हिसाब से एक टाइम वेस्ट है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो इस मूवी में अश्लील सीन से बहुत ही खतरनाक अश्लील सीन है, जो मैं तो अवॉइड करूंगा, बोलूंगा भाई फैमिली के साथ मत देखना। और जहां पर ये मूवी खत्म हुई, डेफिनेटली इसका भी नेक्स्ट पार्ट आ सकता है, ना आए तो वो बेटर है। लेकिन अगर आए तो उसमें कुछ मैजिक और सॉसरी चीजें ज्यादा डाले, ताकि जिस टॉपिक पर ये मूवी बनी है वो एसेसिन पे, तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिले। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 5 out of 10। डेफिनेटली फॉर मी इट्स अ टाइम वेस्ट मूवी। अगर आप लोगों को फिर भी टाइम वेस्ट करना तो आप लोग की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।